नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टीवीएम टॉप लॉग मेनियो। टॉप लॉग मेनिया एक ऐसा चैनल है जहां से आप डिजिटल मार्केटिंग और वर्डप्रेस के बारे में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहां पे पार्ट टाइम अर्निंग के लिए भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फिफ्थ लेक्चर के बारे में, जो कि है व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, सेकंड है व्हाट इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस, थर्ड में हम बात करेंगे व्हाट इज कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस, और फोर्थ में हम बात करेंगे व्हिच इज द बेस्ट टूल टू एनालाइज ऑफ बैकलिंक ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो ये चार चीजें आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च के बारे में। दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च ये एक बहुत ही पावरफुल टर्म है जो कि आपको एसईओ स्टार्ट करने के पहले आप अपने क्लाइंट से या फिर खुद के लिए अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको भी इसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में बिजनेस का टारगेट ऑडियंस रहता है कि ये टारगेट ऑडियंस मेरे बिजनेस पे आने वाला है। टारगेट ऑडियंस मतलब आपके कस्टमर्स। तो उसी तरीके से आप अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके पास आप यह माइंडसेट रहता है कि आपके शॉप पे यानी कि आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे कौन से कस्टमर आने वाले हैं और वो कौन से सर्च क्वेरी को सर्च कर कर आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ मेक माई ट्रिप का। दोस्तों, मेक माई ट्रिप वेबसाइट जब स्टार्ट हुई थी तो मेक माई ट्रिप ने क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया था? ऑनलाइन होटल्स वगैरह बुक करने का सर्विसेज प्रोवाइड किया था। तो उनके माइंडसेट में यह था कि अगर कोई बंदा ऑनलाइन होटल्स इन दिल्ली, ऑनलाइन होटल्स इन मुंबई, ऑनलाइन होटल्स इन नागपुर या ऑनलाइन होटल्स इन कैलकाटा ये सर्च करेगा तो उनके वेबसाइट उनका वेबसाइट रैंक में आना चाहिए। तो जो सर्च टर्म गूगल पे हम सर्च करते हैं उसको हम कीवर्ड कहते हैं दोस्तों। तो कीवर्ड हम सिंपल टर्म में क्या कह सकते हैं? द पावर ऑफ कीवर्ड रिसर्च लाइज इन बेटर अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट मार्केट एंड हाउ दे आर सर्चिंग फॉर योर कंटेंट, सर्विस और प्रोडक्ट। सो कीवर्ड रिसर्च लाइज करता है जो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टारगेट मार्केट के अंदर, आपका टारगेट मार्केट टारगेट ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है उस पर आपका कीवर्ड डिपेंड करता है, और आप वो आपके कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा कंटेंट आप अपने सर्विसेज के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए प्रमोट करना चाहते हैं। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस अराइज करते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर पीपल सर्चिंग फॉर, मींस आपके प्रोडक्ट को सर्च अगर लोग सर्च कर रहे हैं तो क्या सर्च कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। हाउ मेनी पीपल्स आर सर्चिंग फॉर इट, कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर होटल्स इन दिल्ली 10-5 लोग ही सर्च करते हैं तो वो मेक माई ट्रिप का आइडिया नहीं आता। मेक माई ट्रिप का आइडिया वहीं से आया कि बहुत सारे लोग होटल सर्च करते हैं जिनको ऑनलाइन होटल्स नहीं मिल पाता है, तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से लोगों को सुविधा मिल सके, तो वो एक सर्च टर्म क्रिएट कर दिया गया। इसी तरीके से हम और थर्ड इंफॉर्मेशन क्या ले सकते हैं, इन व्हाट फॉर्मेट डू दे वांट टू वॉन्ट देयर इन्फॉर्मेशन, तो वो अपने इन्फॉर्मेशन कौन से फॉर्मेट में मांगते हैं। लाइक एक ब्लॉग के फॉर्मेट में उनको चाहिए, या फिर वीडियो के फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए, या किसी रिसर्च पेपर के फॉर्मेट में चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए। यानी शॉर्ट एंड सिंपल टर्म्स में कीवर्ड ऐसे टर्म को कहते हैं जो किसी यूजर, जो कोई यूजर आपके सर्विसेज को ढूंढने के लिए यूज करता हो गूगल पे या किसी अन्य सर्च इंजन पे। समझ गए दोस्तों? अब हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल्स कौन कौन से होते हैं, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। तो दोस्तों, मैं जो टूल्स की को यूज करता हूँ, बेसिकली मैं चार टूल्स को यूज करता हूँ। सबसे पहला हमारा टूल्स होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, ये बहुत ही पॉपुलर टूल है दोस्तों। दूसरा टूल है एचर, तीसरा टूल है सैमरस, और चौथा टूल है कीवर्ड टूल keywordstools.io। ये चार टूल्स हैं जहां से आप बहुत सारे कीवर्ड्स का प्रमोटेशन और कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हो और अपने यूजर्स के लिए अपने सर्विसेज अपने
प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों मैं चारों के भी एक एक एग्जांपल में आई सारे प्लेटफॉर्म पे जाके आपको बताऊंगा। आगे आप ये देखो दोस्तों, मैंने इन चारों प्लेटफॉर्म पे मैं गया, तो सबसे पहले कीवर्ड प्लानर पे मैं गया दोस्तों। कीवर्ड प्लानर पे जाने के लिए आपको मैं एक ऐसे एग्जांपल बता देता हूँ कैसे आप जा सकते हैं। आपको सबसे पहले एडवर्ड्स पे जाना होगा। एडवर्ड्स पे जाके अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट है तो आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा दोस्तों। हालांकि मेरा एक अकाउंट क्रिएट ऑलरेडी है, तो मैं उस अकाउंट को लॉगिन करता हूं। जब मैं लॉगिन करूंगा तो अकाउंट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, अगर आपके पास सिंगल अकाउंट है तो सिंगल अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे टूल्स एंड सेटिंग्स का एक ऑप्शन आता है दोस्तों। अभी चूंकि लोड हो रहा है तो हमें वेट करना होगा। अब दोस्तों टूल्स एंड सेटिंग्स का आप क्लिक करोगे तो कीवर्ड प्लानर प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आ जाएगा। यहां से जाके आप नए कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हो दोस्तों। और जैसे अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे, मैं मेक माय ट्रिप का ही एग्जांपल लेता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में। अब यहाँ पे जो आप सर्च रिजल्ट देखोगे दोस्तों, सारे कीवर्ड्स रिलेवेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे। उनका मंथली सर्चेस क्या है, कितना कंपटीशन है, क्या क्या एड इंप्रेशंस वगैरह है, सारा यहाँ पे आ गया दोस्तों। ये देखो इतने सारे कीवर्ड्स है जो कि आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सारे कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जो भी होटल्स मींस होटल्स इन इंडिया या होटल्स इन दिल्ली, ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपको। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अकॉर्डिंग उनके रिलेवेंट क्या क्या सर्विसेज है या क्या क्या टर्म्स है वो आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। और ये जो सर्च टर्म आप देख रहे हैं टॉप पेज ऑफ बिड, ये क्या है, ये अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट इन कीवर्ड्स पे करते हो तो इतना पैसा आपको देना होगा गूगल को। टॉप पे बने रहने के लिए इतना पैसे देने होंगे, टॉप पे बने रहने के लिए 150 रुपीज देने होंगे। आयात रेजेंसी दिल्ली पे को सर्च अगर करते हैं तो ये सारे सर्च टर्म है। और इतने लोग सर्च कर रहे हैं मंथली सर्चेस 10K to 100K, इतने लोगों ने ये सर्च किया है, कॉम्पिटिशन ये मीडियम है। तो ये सारे कीवर्ड्स पैनल के थ्रू आप जान सकते हो दोस्तों। दूसरा मैंने सर्च आपको दूसरा टूल्स का जो नाम बताया था वो एचरेफ। एचरेफ पे भी आप लॉगिन करोगे तो दूसरे टैब में कीवर्ड एक्सप्लोरर ऑप्शन आएगा दोस्तों। वहां पे जाके आपको होटल्स इन दिल्ली सर्च करना है। आप यहाँ पे दिल्ली सर्च करना है, मैंने इंडिया सर्च कर दिया। जब मैं इंडिया सर्च किया तो यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस आ जाएगा दोस्तों। ये देखो अभी ये डेटा लोड हो रहा है। एक बार जब आप डेटा लोड हो रहा है, वेट अबाउट 100 दोस्तों, तो आप देखो कि 9.2K सर्च वॉल्यूम है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सर्च वॉल्यूम का ये कीवर्ड है और इसका डिफिकल्टी भी बहुत हाई है। और 7.1K क्लिक्स है और सीपीसी 0.09 है। ये इतने सारे ग्लोबल वॉल्यूम है, मतलब कि पूरे कंट्रीज में यूनाइटेड किंगडम में 600 टाइम्स में देखा गया है, इंडिया में 982 टाइम्स देखा गया। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। ये आपके ब्लॉगिंग वगैरह के, आपका अगर होटल्स का साइट है और उसके लिए कुछ सर्च टर्म आपको ब्लॉगिंग के लिए यूज करना है तो ये आप यूज कर सकते हो दोस्तों। और ये सर्च टर्म आप अपने कीवर्ड्स के लिए यूज कर सकते हो। तो ये सिर्फ होटल होटल्स इन दिल्ली के लिए नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कीवर्ड प्लानर के लिए बताया, आप अपने बाकी दूसरे सर्विसेज के लिए भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ कीवर्ड टूल्स keywordtool.io के। यहाँ पे भी मैं यही सर्च टर्म यूज करता हूँ। जब मैंने ये सर्च टर्म यूज किया तो यहाँ पे और दूसरा मेरा कौन सा है तो आप देखो कि सेमलेस, तो मैं सेमलेस पे गया। इन दोनों पे मैं जाके ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पे ये सारे जो कीवर्ड है वो आप यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए, यानी कि ये सारे कीवर्ड्स रिलेवेंट है आपके सर्विसेज के लिए। सेम उस तरह से होटल से ब्रांडिंग की जगह पे आप अपने सर्विसेज को ढूंढ सकते हो। और यहाँ पे सेम है फिर सेमरस के लिए दोस्तों। ये हुआ कीवर्ड
प्लानर का यूज कीवर्ड सर्च करने का की बात ये आया। अब यहाँ पे देखो ये चारों टूल्स का यूज मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखो कॉम्पिटिटर एनालिसिस। दोस्तों कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट यूज करते हो तो या फिर कोई वेबसाइट को स्टार्ट करने जाते हो तो उसका ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स होता है। जैसे मेक माई ट्रिप का कॉम्पिटिटर कौन कौन सा दोस्तों, कोई हो एक सारा कॉम्पिटिटर माना जाता है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओयो जो है मेक माई ट्रिप का कॉम्पिटिटर है, यानी कि जब मेक माई ट्रिप स्टार्ट हुआ था उस वक्त ओयो था नहीं, बट जब ओयो स्टार्ट हुआ तो उसने ऑलरेडी माना था कि मेक माई ट्रिप मेरा कॉम्पिटिटर है। तो उसका एनालिसिस करने के लिए मेक माई ओयो के जो SEO बंदे के बंदे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले मेक माई ट्रिप का जियो टारगेट लोकेशन क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे मेक माई ट्रिप का वेबसाइट्स वगैरह या बैटरीज वगैरह या कहाँ कहाँ पे उनका उससे ऑडियंस आ रहा है, वो सारे लोगों ने देखा होगा और उसके अकॉर्डिंगली जो बैकलिंक उन्होंने बनाया होगा वो बैकलिंक ओयो ने बनाया होगा। अब ये तो मीन्स ऑनलाइन स्ट्रेटजी हुआ, ऑफलाइन स्ट्रेटजी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, बट ऑनलाइन ऑफलाइन और स्ट्रेटजी बहुत सारी चीजें होती है, इवेंट्स क्या करना है या बहुत सारे और क्या क्या चीजें करनी है, ये सारे कॉम्पिटिटर एनालिसिस होते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो बताया आपको कि टूल्स कौन कौन सा है रेस्टूल्स में, तो ये मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कीवर्ड टूल डॉट आईओ ये सबसे बेस्ट टूल्स माना जाता है, और गूगल कीवर्ड प्लानर ये भी दूसरा सबसे बेस्ट टूल्स माना जाता है, और बाकी जो दो टूल्स हैं, हालांकि ये तीनों ही टूल्स यानी कि आपको पैसे देने होंगे तब आपको ये टूल्स परचेस कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों सेमरस एचरेफ और कीवर्ड टूल्स डॉट आईओ इन तीनों को आपको पैसे देने होंगे, बट कीवर्ड प्लानर के आपको पैसे नहीं देने होंगे, कीवर्ड प्लानर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये बहुत ही बेस्ट टूल्स है जो कि आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड प्लानर इन डिटेल में, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें, धन्यवाद।